अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे हजार दर्जा बेहतर है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा, जहर क्या है? आपने फरमाया, हर वो चीज जो हमारी जरूरियात से ज्यादा जहर है, जैसे कुव्वत, इक्तदार, दौलत, भूख, लालच, मोहब्बत और नफरत। अकल को ख्वाहिश पर फजीलत हासिल है, क्योंकि अकल जमाने को तुम्हारे हाथों में दे देती है, जबकि ख्वाहिश तुम्हें जमाने का गुलाम बना देती है। इंसान अपने अंदर छुपी हुई नफसानी ख्वाहिश की वजह से बुरे लोगों से मغلوب हो जाता है। तेरी दाढ़ी तुम्हारे बाद पैदा हुई और सफेद हो गई, लेकिन तू अभी तक पैसे का वैसा काला है। जिस्म पर रूह की शराफत को इससे समझ लो कि जिस्म की परवरिश रूह करती है। बगैर रूह के जिस्म किस कदर जलील शय है, इसे मट्टी में दफन कर दिया जाता है। जिस्म की वसत दो गज से ज्यादा नहीं है, लेकिन रूह की पहुंच आसमान तक। इश्क़ इलाही के सिलसिले में मलामत की परवाह न करो, इश्क वही काम करता है जो आपकी भट्टी करती है। फना के बाद ही बका हासिल होता है। याद रखो, हमें इश्क जान अंदाज नहीं, जान फिजा है। आशिक के लिए हम मौजब रहमत होता है, समंदर मूर्ख के लिए हलाकत, लेकिन बत्तख के लिए बायस सरत होता है। इश्क की पैदा करता कैफियात इंसान में नई किस्म के जनून पैदा करती है, जो कि बायस सर सहमत होती है। एक जगह कूड़े का ढेर पड़ा था, एक मुर्ग उसको खरीदने लगा। इसी कोशिश में जुस्तजू में उसको हीरा पड़ा नजर आया। बोला कि बेशक तू बेशकीमत है, मगर मुझे इससे क्या? तू अगर किसी जौहरी को मिल गया होता तो तेरी कदर करता, तुझे अपने दस्तार में सजाता। बेहतर था कि तेरे इस मुझे किसी अनाज का दाना मिल गया होता। कल मैं एक चुस्त और चालाक और नासमझ नौजवान था। मेरा ख्याल था मैं सारी दुनिया को बदल डालूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं, आज मैं एक थका हुआ समझदार बूढ़ा। मेरा ख्याल है मैं खुद को बदल डालूंगा, ये भी बड़ी बात है। कनात से कोई शख्स भूखा नहीं मर जाता और हिर्स से कोई बादशाह नहीं बन जाता। जब इंसान की आंखों से आंसू बहते हैं तो उस पर अल्लाह की रहमत बरसती है। सच्चाई के बेशुमार रास्ते हैं,
मगर जो मैंने चुना वो मोहब्बत है। सिर्फ पैसा ही रिस्क नहीं बल्कि अकल, अदब, चेहरा, औलाद और इल्म भी रिस्क है, और इससे बड़ी बात कि बेहतरीन दोस्त भी रिस्क में शामिल है। इस दुनिया में कोई खजाना सांप के बगैर, कोई फूल कोई कांटे के बगैर, और कोई खुशी गम के बगैर नहीं है। अपनी आवाज के बजाय दलायल को बुलंद करें, फूल बादल के गरजने से बरसने से उगते हैं। अगर तुम अजमत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफरत के बजाय मोहब्बत पैदा करो। जो दर्द तुम करते हो पैगामात हैं, उन्हें गौर से सुनो। खामोशी समंदर है और गुफ्तगु नहर की तरह है। तुझे समंदर तलाश कर रहा है, तू नहर की तलाश न कर। जख्म वो जगह है जहां से रोशनी आपके अंदर दाखिल होती है। याद रखें, मुकद्दस और पाक मकाम में दाखिल होने का रास्ता आपके अंदर है।